Hello everyone, Jai Hind, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok. English TGT PGT को लेकर के आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जिसको यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता है, यूजुअली स्किप कर दिया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पोएम्स को समझने के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पोएम्स में भी सबसे ज्यादा सॉनेट्स को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आयंब, ठीक है. तो आयंब एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं और जब लोगों को पता भी चलता है कि ऐसा कुछ है और उसको पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से समझ में नहीं आता है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं इजी लैंग्वेज में, इजी टर्म्स में कि ये आयंब क्या चीज होती है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ आयंब. आयंब की डेफिनेशन क्या है? An arm is a literary device that can be defined as a foot containing unaccented and short syllables followed by a long and accented syllable in a single line of a poem. Stressed, unstressed, stressed syllables. ठीक है, unstressed, stressed syllables. देखिए, एक arm को आप foot भी कहते हैं और ये एक literary device है जिसके अंदर किसी लाइन में एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, सिलेबल क्या होता है? साउंड, ठीक है. अभी आप आगे देखेंगे सिलेबल्स को, साउंड्स को और अच्छे समझेंगे. तो किसी लाइन में सिलेबल्स जो होंगे वो अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड, यानी एक सिलेबल जो पहले आएगा वो अनएक्सेंटेड होगा, छोटा होगा, शॉर्ट होगा, जल्दी से बोल दिया जाएगा, जल्दी से वो रीड कर लिया जाएगा और उसके तुरंत बाद एक एक्सेंटेड सिलेबल होगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा किसी एक ही लाइन में. एक स्ट्रेस बिना दिए हुए और एक स्ट्रेस दे करके बोले जाने वाले सिलेबल का पेयर बन जाता है एक फुट या एक आयम, ठीक है. अब देखिए, Two of Robert Frost's poems, Dust of Snow and The Road Not Taken, are considered two of the most popular examples of iamb. कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स में से दो ऐसी पोएम हैं जिसमें डस्ट ऑफ स्नो का नाम दिया जाता है और द रोड नॉट टेकन का नाम दिया जाता है. ये कंसिडर की जाती हैं दो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स iamb के, ठीक है. तो iamb को समझना बहुत जरूरी है. Types of iambic meter. Iambic meter. Iamb समझ में आ गया? Iamb क्या है? किसी word में एक stressed sound और एक unstressed sound. अभी मैं आपको बताता हूं. जैसे कि देखिए, किसी एक line में, पहले मैं iamb समझा दूं फिर उसके types को मैं अच्छे समझाता हूं. जैसे यहां पर एक poem है, The Dust of Snow. आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो words मैंने लिखे इनमें एक word bold है और एक word bold नहीं है, ठीक है. जैसे द आपका बोल्ड नहीं है, वे बोल्ड है, अ बोल्ड नहीं है, क्रो बोल्ड है, ठीक है. अब इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें आपको आयंब कहां मिल रहा है? जैसे ही मैंने कहा द वे, द एकदम हल्के से बोला, स्ट्रेस नहीं किया, जोर नहीं डाला, सिलेबल को बहुत शॉर्ट में निपटा दिया, बोला द. फिर वे, तो वे थोड़ा जोर दिया गया, थोड़ा स्ट्रेस किया गया, इस पर थोड़ा सा माइंड किया गया, ठीक है ना. तो द वे, द वे, ठीक है, द वे ऐसे बोला गया, द वे अ क्रो, द वे अ क्रो, ठीक है. तो द को स्ट्रेस नहीं किया गया, वे को स्ट्रेस किया गया, तो ये पेयर जो बना एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल का, ये हुआ एक आयंब. फिर वैसे ही अ क्रो, तो अ अनस्ट्रेस्ड क्रो, स्ट्रेस्ड, ठीक है. तो ये पेयर हुआ, क्या कहलाया? ये आयंब, ठीक है. तो इस आयंब को समझना बहुत जरूरी है. तो आयंब क्लियर हो गया. तो अब बात करते हैं आयंबिक मीटर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ आयंबिक मीटर्स. आयंबिक मीटर्स के कितने टाइप्स हैं? पहला टाइप है आयंबिक डायमीटर. आयंबिक डायमीटर में क्या होता है? टू आयंब्स पर लाइन. हर एक लाइन में दो आयंब्स होते हैं. अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, जैसे कि यहां पर देखिए पोएम जो हमने पढ़ी, ये डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो, ठीक है. तो यहां पर एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड साउंड आया, यानी एक आयंब आया.
फिर वैसे ही एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस सिलेबल आया तो यानी कि एक और आयम आया, तो यहां पर दो आयम्स आ गए, तो ये आयम्बिक डायमीटर का एक एग्जाम्पल है। अभी आगे हम देखेंगे भी और अच्छे से। तो आयम्बिक डायमीटर वो हुआ जिसमें टू आयम्स पर लाइन हुए, एक लाइन में टू आयम्स। फिर आता है आयम्बिक ट्राइमेस्टर, आयम्बिक ट्राइमेस्टर नहीं आयम्बिक ट्राइमीटर होना चाहिए, तो आयम्बिक ट्राइमीटर या ट्राइमेस्टर जो भी कह दिए, थ्री आयम्स पर लाइन इसमें होते हैं। फिर आता है आयम्बिक टेट्रामीटर, तो टेट्रामीटर में फोर आयम्स पर लाइन होते हैं। फिर आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में फाइव आयम्स पर लाइन होते हैं। फिर है आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर में सिक्स आयम्स पर लाइन होते हैं। तो ये मेन है, इतने को आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोनेट्स के लिए समझना, तो अगर इसको नहीं समझा तो आप सोनेट्स को नहीं समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आयम इन लिटरेचर, लिटरेचर में हम आयम के एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। कह रहे पोएट्स हैव रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स इन रेगुलर मीटर्स एंड आयम्बिक मीटर इज वाइडली यूज्ड इन सेवरल ऑफ देम। तो अगर हम मीटर की बात करें और आयम की बात करें तो पोएट्स ने पोएम्स को कई सारे रेगुलर मीटर्स में लिखा है जिसमें आयम्बिक मीटर सबसे ज्यादा यूजफुल है और उसमें भी आयम्बिक पेंटामीटर का यूज सबसे ज्यादा हुआ है। अब हम देखते हैं कि आयम्बिक मीटर के कुछ एग्जांपल्स, पॉपुलर एग्जांपल्स, जिससे कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पोएम में कौन सा मीटर है तो हम उसको रिप्लाई कर पाए कि इसमें आयम्बिक मीटर है, वो भी कौन सा आयम्बिक मीटर है, आयम्बिक डायमीटर है, ट्रामीटर है, क्या है, तो वो हम समझ पाए। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है डस्ट ऑफ स्नो का बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसमें हम आयम्बिक मीटर का एग्जाम्पल देखते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ A day I had root, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप अच्छे से समझते हैं डेप्थ में जाकर के, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर द एकदम लाइटली बोला गया, फिर वे को स्ट्रेस दिया गया, तो ये दोनों ने मिलकर एक आयम बनाया, एक आयम, ठीक है। एक आयम का मतलब क्या हुआ, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल। फिर वैसे यहां पे अ क्रो, अ अनस्ट्रेस्ड हुआ, क्रो स्ट्रेस्ड हुआ, ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, तो इन दोनों ने मिलकर एक आयम और बनाया। तो यहां पर दो आयम हो गए ना, दो आयम हो गए, राइट। तो ये पहली लाइन आपको साफ साफ मिल रही है किसका एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयम्बिक डायमीटर, आयम्बिक डायमीटर का एग्जाम्पल आपको यहां पर दिख रहा है। आप सभी लाइंस में देखेंगे ऐसे ही मिलेगा, क्या शुक अनस्ट्रेस्ड डाउन स्ट्रेस्ड, ऑन अनस्ट्रेस्ड डाउन स्ट्रेस्ड, तो इन दोनों ने मिलकर एक आयम बनाया, इन दोनों ने मिलकर एक आयम बनाया, तो यहां पर भी दो आयम हो गए इस लाइन में भी। फिर द अनस्ट्रेस्ड डस्ट, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, तो द अनस्ट्रेस्ड डस्ट स्ट्रेस्ड, ऑफ अनस्ट्रेस्ड स्नो स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो यहां पर भी एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड, यानी एक आयम, फिर अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड फिर एक और आयम, दो आयम्स यहां पर भी मिल गए, ठीक है। तो ये भी डायमीटर हो गया। तो ये सभी लाइन में आप देखेंगे ऐसे ही मिलेगा, दो दो आयम्स आपको यहां सभी मिलेंगे। फ्रॉम आ अनस्ट्रेस्ड हो गया, हेम स्ट्रेस्ड हो गया, ये अनस्ट्रेस्ड है, फ्रॉम आ हेम स्ट्रेस्ड लॉक अनस्ट्रेस्ड ट्री स्ट्रेस्ड। फिर इसी तरह से has given, has unstressed, give stressed in unstressed, might be unstressed, ठीक है, heart stressed, तो ये पूरा unstressed में आ गया। तो unstressed stressed, ठीक है, या given अगर पूरा भी अगर आप मान लीजिए तो my आपका unstressed में आ जाएगा। तो आयम्बिक डायमीटर, यही सेम चीज आपको हर एक लाइन में मिलेगी। तो ये एक बेटर एग्जाम्पल आपको मिल गया, क्या दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयम्बिक डायमीटर विच हैज
टू मेट्रिकल फीट शोन इन बोल्ड इन ईच लाइन, हर एक लाइन में बोल्ड में दिखाया जा रहा है मेट्रिकल फीट को. द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग राइम, और इसमें जो राइम स्कीम है जैसे फर्स्ट और उसके बाद थर्ड लाइन, सेकेंड और उसके बाद फोर्थ लाइन, तो फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन का राइम, सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन का राइम, ठीक है, फिर इसी तरह से फिफ्थ लाइन से सेवेंथ लाइन की राइम, सिक्स्थ लाइन से एट्थ लाइन की राइम, तो इस राइम स्कीम को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंटरलॉकिंग राइम, ठीक है. तो इसकी जो राइम स्कीम है वो इंटरलॉकिंग राइम स्कीम भी मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा आप लोगों को. ऑल्सो देर आर सम एनापेस्टिक फीट बट मोस्ट फीट आर इन एम्बिक डायमीटर. इसमें कुछ एनापेस्टिक फीट भी है लेकिन ज्यादातर फीट जो है वो एम्बिक डायमीटर में ही है, राइट. तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक. तो आयम बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स जो अभी अभी तक जिन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश उनका सब्जेक्ट है, वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला काम तो ये करना है कि इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे. पहले तो आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. दूसरी चीज आपको ये करना है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है. व्हाट्सएप नंबर क्या है, 8382955694. इस नंबर पर आपको लिखना है एंट्री, एंट्री लिखकर टीजीटी पीजीटी और साथ में आपका सब्जेक्ट. तो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो आप लिखेंगे टीजीटी पीजीटी, या मान लीजिए केवल टीजीटी के लिए तो टीजीटी इंग्लिश, या पीजीटी इंग्लिश, या टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश, ऐसा लिख करके एंट्री टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए. तो ये आपको करना है, राइट, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे. दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर फोन करके हमारे काउंसलर्स से बात कर सकते हैं रिलेटेड एनी इंक्वायरी. कोई भी इंक्वायरी आपकी है, कुछ भी पूछना है, आप इन नंबर्स पर फोन करिए एंड दे विल सॉल्व योर इंक्वायरी, राइट. तो वो आपको बताएंगे जो भी आप जानना चाहते हैं. तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर, ठीक है. वापस आता हूं मैं AMP के ही टॉपिक पर. तो AMP में अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल एक और है, द ओनली न्यूज आई नो बाय एमिली डिकिंसन. एमिली डिकिंसन की पोएम है द ओनली न्यूज आई नो. आप यहां पर देखेंगे कि मैं आपको एम्बिक ट्रायमीटर दिखाऊंगा. अभी आपने डायमीटर देखा था, ट्रायमीटर देखिए. तो ट्रायमीटर में देखेंगे आप जैसे लिखते हैं द ओनली न्यूज आई नो, द अनस्ट्रेस्ड ओनली, ओन स्ट्रेस्ड ली अनस्ट्रेस्ड, द ओनली न्यूज स्ट्रेस्ड आई अनस्ट्रेस्ड नो स्ट्रेस्ड. पढ़ेंगे जब एक साथ तो कैसे पढ़ेंगे, द ओनली न्यूज आई नो, राइट, ऐसे पढ़ेंगे. तो जब आपने ऐसे पढ़ा तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड साउंड समझ में आ गया. यानी यहां पर एक आम, फिर एक आम, फिर एक आम, तो कितने आम्स हो गए, थ्री आम्स हो गए. तो जब पर लाइन थ्री आम्स हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, एम्बिक ट्रायमीटर, ठीक है. आप इसी तरह से दूसरी लाइन्स भी देख सकते हैं, इज अनस्ट्रेस्ड बुल स्ट्रेस्ड लिटन, बुल ले टेंस, ले अनस्ट्रेस्ड टेंस स्ट्रेस्ड, ऑल अनस्ट्रेस्ड डे स्ट्रेस. तो कैसे पढ़ेंगे, इज बुलेटिन्स ऑल डे, राइट. तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस समझ में आ जाएगा. तो यहां पर भी कितने हो गए, तीन हो गए. तो तीन आम्ब आपको दिखे तो क्या हो गया, एम्बिक ट्रायमीटर हो गया, ठीक है. ऐसे ही आपको लगभग सभी लाइंस में मिलेगा. तो क्या कह रहे हैं, दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिक ट्रायमीटर. ये आपके सामने ये जो पोएम, ये पार्ट जो रखा गया है, ये एम्बिक ट्रायमीटर का एग्जाम्पल है, वेयर लाइंस हैव थ्री मेट्रिकल फीट, तीन मेट्रिकल फीट है हर लाइंस में, ठीक है. जनरली दे आर सिक्स सिलेबस
इन द देर आर सिक्स सिलेबल्स इन द लाइन्स विद थ्री आयंस. तो इसमें सिक्स सिलेबल्स हैं थ्री आयंस के साथ, है ना. तो ऑब्वियसली जितने सिलेबल्स होंगे उनका आधा आयंब होगा, जितने आयंस होंगे उनका डबल सिलेबल्स होगा, राइट. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर जगह जहां जहां भी सिलेबल्स है वहां वहां आयंब हो. सिलेबल्स आपके अगर मान लीजिए अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के पेयर में नहीं है तो वहां पर आयंब नहीं होगा, ठीक है. तो ये हमेशा याद रखिएगा. टेक सम मोर एग्जांपल्स. अभी देखिए यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक. अब यहां पर आप देखिए पोएम में एक एक लाइन पर आप ध्यान देंगे. ये भी ये आपका टेट्रामीटर है तो इसको देखते हैं. आप देखिए यहां पर आई अनस्ट्रेस्ड वॉन्डर्ड वॉन स्ट्रेस्ड डर्ड वॉन स्ट्रेस्ड डर्ड अनस्ट्रेस्ड लोनली लोन स्ट्रेस्ड ली अनस्ट्रेस्ड एज स्ट्रेस्ड अ अनस्ट्रेस्ड क्लाउड स्ट्रेस्ड. कितने आंस मिले, 1, 2, 3, 4. एक लाइन में 8 सिलेबल्स एंड 4 आंस मिले. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आयम्बिक टेट्रामीटर का. किसका एग्जाम्पल है भाई, ये आयम्बिक टेट्रामीटर का एग्जाम्पल है, ठीक है. आप दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन क्या कह रही है, दैट अनस्ट्रेस्ड फ्लोट्स स्ट्रेस्ड ऑन अनस्ट्रेस्ड हाई स्ट्रेस्ड ओवर अनस्ट्रेस्ड डेल्स स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड हिल्स स्ट्रेस्ड. कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 सिलेबल्स, ठीक है. तो इसी तरह से आप सब लाइन्स जितनी भी लाइन्स हैं इन पे जब ध्यान देंगे गौर करेंगे तो यू विल फाइंड कि 8 सिलेबल्स हैं लाइन्स में और 4 आयंस हैं, ठीक है. तो किसका एग्जाम्पल बन गया, ये आयम्बिक टेट्रामीटर का. आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है. अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम बहुत मशहूर पोएम है, बहुत फेमस पोएम है इंग्लिश लिटरेचर में, द रोड नॉट टेकन. देखेंगे द रोड नॉट टेकन आपका ये भी एक आयम्बिक टेट्रामीटर का ही एग्जाम्पल है, मशहूर एग्जाम्पल. तो आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है 2 अनस्ट्रेस्ड रोड्स स्ट्रेस्ड डाइवर्ज्ड डाई अनस्ट्रेस्ड वर्ज्ड स्ट्रेस्ड इन इनर अनस्ट्रेस्ड येलो येल स्ट्रेस्ड लो अनस्ट्रेस्ड वुड स्ट्रेस्ड. कितने आर्म्स मिले, 1, 2, 3, 4 आर्म्स मिल गए आपको. अब ये 4 आंस आप देखेंगे इसमें ज्यादातर सभी लाइंस में मिलेंगे. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आयम्बिक टेट्रामीटर. दिस पोएम इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर. ईच लाइन कंटेन्स 4 आयम्बिक बीट्स सिंस आम रेफर्स टू एन अनस्ट्रेस सिलेबस फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबस आयम्बिक टेट्रामीटर कंप्राइजेस ऑफ 4 सच फीट इन अ लाइन. तो क्या कह रहे हैं कि हर एक लाइन में 4 आयम्बिक बीट्स है, 4 आयम्बिक बीट्स हर एक लाइन में मिलेगी. क्योंकि आयम का मतलब ही होता है एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल. तो आप देख रहे हैं एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एक स्ट्रेस्ड सिलेबल का ये कपल आपको 4 बार मिल रहा है हर एक लाइन में. तो सीधा सीधा ये एग्जाम्पल बन गया किसका, आयम्बिक टेट्रामीटर का, ठीक है. ये ऐसा टॉपिक है जनरली लोग इसे नहीं छूते हैं, नहीं कवर करते हैं क्योंकि अक्सर कंफ्यूज कर देता है लोगों को. पर आपके लिए एक बार इसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं आयम्बिक पेंटामीटर. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आयम्बिक पेंटामीटर. तो आयम्बिक पेंटामीटर का हम एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं, रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट से लिया गया. देखिए ध्यान देंगे आप क्या लिखा है, लिखा है बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन अराइज फेयर सन
and kill the envious moon who is already sick and pale with grief. ठीक है, तो जब आपने इसको पढ़ा अब आप ध्यान देंगे, बट जल्दी से हो गया ना, अनस्ट्रेस्ड, सॉफ्ट स्ट्रेस्ड, व्हाट लाइट, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, थ्रू योंडर, थ्रू अनस्ट्रेस्ड, योंडर योन स्ट्रेस्ड डो अनस्ट्रेस्ड, विंटर विन स्ट्रेस्ड डो अनस्ट्रेस्ड, ब्रेक्स स्ट्रेस्ड. ठीक है, कितने सिलेबल्स मिले? 10 सिलेबल्स. कितने आंस मिले? 1 2 3 4 5 आंस मिले. तो 5 आंस जब एक लाइन में मिले तो ऑब्वियसली ये किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस एक्सर्प्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आम्बिक पेंटामीटर. ये आम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीटर इन पोएट्री एंड वर्स, जिसे पोएट्री और वर्स में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज है आम्बिक पेंटामीटर का. इट कंसिस्ट ऑफ 5 आम्बिक फीट इन अ लाइन. एक लाइन में 5 आम्बिक फीट है, आपने देखा, एज शोन इन बोल्ड हियर, बोल्ड में शो भी किया गया है आपको. ठीक है, शेक्सपियर इज वेरी फेमस फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ मीटर इन हिज प्लेज एंड पोएम्स. और शेक्सपियर बहुत ही फेमस हैं, आप शेक्सपियरन सोनेट्स की भी अगर बात करें तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है अपनी पोएम्स में, अपनी सोनेट्स में. ठीक है, तो आम्बिक पेंटामीटर. फिर मैकबेथ में आप देखिए, बाय विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ में भी ये एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है एम्बिक पेंटामीटर का. क्या लिखते हैं? हेंसफोर्थ बी अर्स द फर्स्ट दैट एवर स्कॉटलैंड. राइट, तो जब आप इसको पढ़ेंगे, अगर सही से पढ़ पा रहे हैं तो आपको अपने आप वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड साउंड मिलने लगेंगे, सिलेबल्स मिलने लगेंगे, और आप आराम से पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा मीटर है. ठीक है, आप आसानी से पहचान जाएंगे. ठीक है, इन सच एन ऑनर नेम्ड, व्हाट्स मोर टू डू. ठीक है, तो अब जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कह रहे हैं, हेंसफोर्थ, हेंस अनस्ट्रेस्ड, फोर्थ स्ट्रेस्ड, बी अनस्ट्रेस्ड, अर्स स्ट्रेस्ड, द फर्स्ट, द अनस्ट्रेस्ड, फर्स्ट स्ट्रेस्ड, दैट एवर, ए वो, ए आपका स्ट्रेस साउंड है, ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस साउंड है, वो अनस्ट्रेस्ड, स्कॉटलैंड, स्कॉट स्ट्रेस्ड, लैंड अनस्ट्रेस्ड. ठीक है, स्कॉटलैंड ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं स्कॉटलैंड. राइट, अब आप देखिए, 1 2 3 4 5. ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर, तो ठीक है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 आपको आम मिले. तो 5 आम मिले तो क्या हो गया भाई, किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑब्वियसली आम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल हो गया. फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, इन अनस्ट्रेस्ड, सच स्ट्रेस्ड, एन अनस्ट्रेस्ड, ऑन ओ स्ट्रेस्ड, न अनस्ट्रेस्ड, नेम्ड स्ट्रेस्ड, व्हाट्स अनस्ट्रेस्ड, मोर स्ट्रेस्ड, टू डू, टू अनस्ट्रेस्ड, डू स्ट्रेस्ड. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 आंस मिले तो क्या हो गया? आम्बिक पेंटामीटर. राइट, ऐसे आपको पहचानना है, ऐसे समझना है. ठीक है, और आम्बिक पेंटामीटर को अगर आपने नहीं पहचाना, नहीं समझा, तो आप ये समझ जाइए कि आप फिर पोएम्स को पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं, स्पेशली आम्बिक मीटर्स को अगर नहीं समझा तो पोएम्स को नहीं समझ सकते हैं, और स्पेशली आम्बिक पेंटामीटर को नहीं समझा तो सोनेट्स तो आप जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं
इसलिए बहुत जरूरी है इन्हें पढ़ना और समझना। फिर एक बार मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो लोग भी टीजीटी पीजीटी के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो एडमिशन ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन लेने का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल सा है। ये हमारे काउंसलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर हैं, आप इन नंबर्स पर किसी भी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके जो भी आपकी इंक्वायरी है एडमिशन से रिलेटेड वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं एंड दे विल आंसर यू। ठीक है, तो कुछ भी जो आपको जानना हो एडमिशन से रिलेटेड, क्लासेस कैसे चलेंगी उससे रिलेटेड, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो हम खुद ही आपको गाइड कर देंगे, एडमिशन प्रोसीजर को लेकर ही आपको पूछना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। या एक और आसान तरीका है आपके पास कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप पर आपको एंट्री टीजीटी पीजीटी और साथ में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप इंग्लिश के लिए हैं तो आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एंट्री लिखेंगे, फिर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिखेंगे और लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। तो जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तो जिस तरह से एडमिशन लेना है, जो उसका प्रोसीजर है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारे टेलीग्राम के चैनल का, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उससे ज्वाइन कर लेंगे तो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। राइट, तो ये एक सिंपल सी बात हुई। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ में कम से कम एक बार पता होना आपको ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ आई एम की। फंक्शन ऑफ आई एम की जब हम बात करते हैं तो कह रहे हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ आइम्बिक मीटर इज टू क्रिएट अ स्पीच दैट शुड हैव अ रेगुलर पैटर्न। तो सबसे पहले एक बात तो ये समझ लीजिए कि पोएम जो होती है वो इस तरह से लिखी जाती है कि उसको पढ़ने पर उसके साउंड में एक रिदम आए। राइम स्कीम भी इसीलिए देखी जाती है। एक रिदम होने से यह फायदा होता है कि वो चीजें जल्दी याद होती हैं। कहा जाता है कि अगर आपको किसी को कोई स्टोरी या कोई किसी की कोई लीजेंड याद कराना है तो उसको पोएटिक फॉर्म में लिख दीजिए। पोएटिक फॉर्म में लिख देंगे तो वो आसानी से याद होगा, उसे गा के भी याद किया जा सकता है, गीत के रूप में भी। ठीक है ना, तो रिदम का एक रिदम की खासियत होती है कि अगर कोई चीज रिदम में है तो वो हमारे माइंड पर बीट करती है ना, तो वो जल्दी हमें याद होती है। इसीलिए आप देखिए गाने लोगों को जल्दी याद हो जाते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि गानों में क्योंकि बीट होती है, रिदम होता है, लय ताल होती है, तो जिसकी वजह से वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं, उनके बोल जल्दी याद हो जाते हैं। बाकी चीजें अगर हम उस तरह से याद करने की कोशिश करें तो शायद टाइम लगता है, नहीं याद हो पाता उतनी आसानी से। तो क्या कह रहे हैं कि इसका जो बेसिक फंक्शन है आइम्बिक मीटर का वो ये है कि इसमें एक रेगुलर पैटर्न क्रिएट करे। तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड जब होगा ना तो वो बीट ऐसे लबडब की तरह जाएगी, तो वो एक पैटर्न क्रिएट होगा। ठीक है, इट फंक्शंस टू मेक अ नॉर्मल स्पीच फिट इनटू हाइटेंड फॉर्मैलिटी एंड ड्रामेटिक फॉर्म। किसी नॉर्मल स्पीच को अगर आपने आम में लिखा, आम एम्बिक मीटर में लिखा, तो वो नॉर्मल सी स्पीच फिर एक नॉर्मल स्पीच ना बन करके वो बहुत हाई लेवल की फॉर्मल स्पीच बन जाती है और वो ड्रामेटिक फॉर्म में आ जाती है। ठीक है ना, उसका क्लास बढ़ जाता है, वो लिटरेचर में फिर एक अलग पोजीशन पर आ जाती है। राइट, सिंस इट गिव्स अ रिदमिक सेंस इट लेंड्स द टेक्स्ट हाई ड्रामा एंड फॉर्मैलिटी। तो क्योंकि ये एक रिदमिक सेंस देता है तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट जो है वो ड्रामा में भी और फॉर्मैलिटी में भी, फॉर्मैलिटी मतलब उसका फॉर्मल होना, इनफॉर्मल वे में फिर वो नहीं बोला जाता, फिर वो फॉर्मल वे में आ जाता है। ठीक है, तो उसका ड्रामा और उसकी फॉर्मैलिटी बढ़ जाती है, वो और ज्यादा लोगों को छूने वाली और ज्यादा टचिंग हो जाती है। ठीक है, हेंस द मेन पर्पज ऑफ आइम्बिक मीटर इज टू गिव हाईली इमोशनल एक्सपीरियंस एंड मेक्स अ पीस ऑफ वर्क
ब्यूटिफुली पोएटिक। और इसीलिए आम्बिक पेंटामीटर का मेन पर्पस क्या होता है कि वो किसी भी राइटिंग को स्पेशली बहुत ज्यादा इमोशनल बना दे, जिससे कि लोग जो उसे पढ़ रहे हैं वो एक हाईली इमोशनल एक्सपीरियंस फील करें, और किसी भी पीस ऑफ वर्क को ये ब्यूटिफुली पोएटिक बना देती है। ये एक आयम का खास काम होता है। तो मीटर तो कई तरह के होते हैं, मैंने अभी आपको आयम्बिक मीटर पढ़ाया है। ऑब्वियसली मैं आपको बाकी की चीजें भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है अभी जो आपको जानना है। आपको राइम स्कीम जानना है, आपको मीटर जानना है, आपको लिटरेरी डिवाइसेस जानना है, लिटरेरी डिवाइसेस में फिगर ऑफ स्पीच जानना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है, और इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। और केवल क्वेश्चन ही नहीं, मैं ये भी बता दूं कि ये वो बेसिक चीजें हैं जिनको पढ़ने के बाद ही आप आगे की चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जब आप पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को पूरी तरह से आप नहीं समझ सकते जब तक आपको राइम स्कीम ना पता हो, जब तक आपको मीटर ना पता हो, आयम्ब ना पता हो, ठीक है, और फिगर स्पीच का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है। लिटरेरी डिवाइसेस भी पता होने चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेस फिगर स्पीच उसी में आ जाता है। तो जब तक वो चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से फॉर्म्स ऑफ पोएम्स नहीं समझ सकते हैं। या फॉर्म्स ऑफ पोएम ही क्यों, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में भी कुछ जगहों पर आपको लिटरेरी डिवाइसेस की नॉलेज होना जरूरी है, तभी समझ पाएंगे। प्रोज में भी कुछ जगह जरूरी है, ठीक है, लेकिन मेनली पोएम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि हर एक चीज का कंटेंट अवेलेबल है जगह जगह। आज की जो दुनिया है इसमें तो बहुत आगे हमारा वक्त निकल चुका है, समाज निकल चुका है, जमाना निकल चुका है। हर कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाता है या मार्केट में आपको बुक की फॉर्म्स में मिल जाता है। मैं इस बीच जब टीजीटी पीजीटी के बैच को स्टार्ट करने की बात हुई, और इंग्लिश जो कि एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है, टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो जब इसको लेकर के बात हुई कि टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू किया जाए, तो मैं यही मंथन करने लगा, मैं यही देखने लगा, ये रिसर्च करने लगा कि मार्केट में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। तो मैंने कई सारी बुक्स इधर देखी, कई सारी बुक्स को मैंने रीड किया, मैंने उसमें देखा कि बहुत सारी बुक्स तो मुझे ऐसी मिली जिनमें जरूरी कुछ टॉपिक्स थे ही नहीं, यानी उसमें एक तरह से टॉपिक्स की कटिंग की गई है, कर्टेल किया गया है सिलेबस को, यानी उसमें जो चीजें होनी चाहिए ऐसी बहुत सी चीजें नहीं पाई कुछ बुक्स में। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। बहुत सारी बुक्स मुझे ऐसी भी मिली जिसमें इतना ज्यादा इलैबोरेट किया गया है चीजों को जितने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात यह हुई कि आप टीजीटी पीजीटी में जा रहे हैं, और एक बात यह हुई कि आप डॉक्टरेट कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, तो मान लीजिए कि उसमें कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें इस हिसाब से लिखा गया कि जैसे डॉक्टरेट कराना चाह रहे हैं आपको, उतना हमारे पास ना तो समय बचा है कि हम उतनी स्टडी करें, और ना ही उतना इतने कम समय में आप अपने माइंड में रख पाएंगे। पता चला उतना पढ़ लिया तो लास्ट मोमेंट पे कुछ रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई आंसर ही नहीं आ पा रहा है। तो बहुत ज्यादा पढ़ना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाता है, बहुत कम पढ़ना, जरूरत की चीजें छोड़ देना भी नुकसानदेह होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यही देख रहा था, तो मैंने पाया कि किसी बुक में बहुत ज्यादा है, किसी बुक में कुछ चीजें कम है, कुछ बुक्स तो ऐसी भी मुझे मिली कि उसमें भर भर के गलती भी है, यानी फैक्ट्स तक को गलत कर दिया गया। एक जगह मैंने पढ़ा विलियम शेक्सपियर की बर्थ उन्होंने दिया था 26th of April, ठीक है, जबकि फैक्ट यह है कि विलियम शेक्सपियर की को बैप्टाइज किया गया था 26th of April में। उनकी जन्म की जो तिथि है, डेट जो है वो क्लियर है ही नहीं, उनकी बर्थ डेट बहुत ज्यादा रिसर्चेस के बाद भी क्लियर नहीं हो पाई, तो ये मान लिया गया कि उनकी बर्थ डेट 23rd of April मानी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो बैप्टाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलता है वो 26th of April का मिलता है। बैप्टाइजेशन एक प्रोसेस होता है क्रिश्चियनिटी में कि
जो भी नया बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म के तीसरे दिन बैप्टाइज किया जाता है, यानी एक तरह से क्रिश्चियनिटी में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की बैप्टाइजेशन जो है वो उसकी डेट मिलती है 26 अप्रैल, तो उससे ये अंदाजा लगाया गया कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ होगा, और 23 अप्रैल ही उनकी डेथ की भी डेट मानी जाती है। 23 अप्रैल 1564 इनका जन्म माना जाता है और 23 अप्रैल 1616 इनकी डेथ मानी जाती है। तो कुछ बुक में मुझे ये मिला कि वो फैक्ट ही गलत कर दिया, 26th को उनको उनकी बर्थ दिखा दी गई। तो ऐसे ऐसे कंटेंट्स जो आ रहे हैं, यानी लोग जल्दबाजी में छाप छाप कर भेज दे रहे हैं कि बिक जाए, तो उनसे थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि पता चला आप रॉन्ग कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कंटेंट रॉन्ग है, आप थोड़ा सा उसमें देखिए। मैं अगर मुझसे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आप बुक सजेस्ट करिए, तो मैं कोई बुक नहीं सजेस्ट करता हूं। उसका रीजन ये है कि मेरे लिए ये क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि मैं सारी ही पढ़ लूं, और जो मैंने अभी तक पढ़ी उनमें मैंने अभी तक एक भी बुक नहीं पाई ऐसी जिससे मैं 100% सेटिस्फाइड होकर के उसे रिकमेंड करूं कि ये ले लो, ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस ऐसा है ना कि जो इसका एग्जाम ले रहा वो तो कोई बुक निकाल नहीं रहा है, और जो बुक्स निकाल रहे हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो इस एग्जाम के बारे में शायद ज्यादा जानते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बुक्स इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूं। फिर बात यह आती कि बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कंटेंट्स अवेलेबल हैं, उनको भी तो लेकर के चला जा सकता है। तो कंटेंट्स में भी मैंने ऑनलाइन कंटेंट्स देखा कि वो बहुत बिखरे हैं, और उन बिखरे हुए कंटेंट्स को कलेक्ट कर पाना किसी स्टूडेंट के तो बस से बाहर है, वो सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। इवन हम लोग भी, मैं अपनी बात करूं या मैं और दूसरे टीचर्स की भी बात करूं, तो हम भी कंटेंट अपने हाथ से तो ऐसे बैठकर लिख नहीं रहे होते हैं, वो पॉसिबल है ही नहीं कि हम पूरा कंटेंट लिखें। हम भी कलेक्ट करते हैं कि कहीं किसी बुक से निकालते हैं बढ़िया कंटेंट, कहीं कोई ऑनलाइन जगह से निकालते हैं, फिर उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्रम में सजाते हैं, बनाते हैं, तब एक बढ़िया सी चीज निकल के आती है, ठीक है। किसी की कोई लाइन अच्छी है, किसी की कोई लाइन अच्छी है, तो वो ले लेके कलेक्ट करके एक कंटेंट बनाना पड़ता है। तो ये काम स्टूडेंट कर नहीं सकता और उसके पास टाइम भी नहीं है। अब कितना टाइम है, तो आपके लिए बस यही एक रास्ता है कि बढ़िया किसी को चुने जो एक अच्छे कंटेंट को आपके सामने रख सके, अच्छे वे में आपको समझा सके। मैं अपने लिए बस इतना कह सकता हूं कि मेरा ये काम रहेगा थ्रू आउट योर प्रैक्टिस, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, कि मैं आपकी प्रिपरेशन इस तरह से कराऊंगा कि मैं चीजों को ईजिएस्ट वर्ड में, बेस्ट कंटेंट कलेक्शन के साथ, आसान से आसान तरीके से आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आप आसान से आसान तरीके से उन चीजों को सीख सकें, समझ सकें, याद रख सकें और एग्जाम के टाइम पर रिकलेक्ट कर सकें, ठीक है ना। तो मेरा यह तरीका रहेगा। मैं क्या करूंगा कि मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाया ईजिएस्ट लैंग्वेज में, अब अगले जब जैसे ही वो टॉपिक खत्म हुआ, तो उस टॉपिक के खत्म होने के बाद अगली क्लास जो मेरी होगी वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं या आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखूंगा। मैं खुद पहले आपको देखूंगा, आप खुद अपने आप को जज करेंगे कि आप पढ़े हुए टॉपिक से प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, या उससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो कितने कर पा रहे हैं। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने किस लेवल पर पढ़ाई की, ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये एक तरीका रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये स्लाइड्स मैं पहले से बना करके इसलिए लेकर आता हूं आपके सामने, क्योंकि इतनी चीजें अगर मैं बोर्ड पर हाथ से लिखूंगा ना, तो वो लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। हाँ, लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको मुझे लिखकर ही पढ़ाना पड़ेगा, वो इतने अच्छे से स्लाइड्स में नहीं समझ में आएगा, लेकिन लिटरेचर के अधिकतर पार्ट्स, ज्यादातर पार्ट्स ऐसे हैं जिनको बोर्ड पर खड़े होकर लिखना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं जाएगा, वो रिटर्न में आपके पास इस तरह के मैं पीडीएफ वगैरह लगा करके इजी वे में बता दूंगा। और फिर इन्हीं इन्हीं टेक्स्ट के आपको दूसरे फॉर्मेट में, जिससे आप पढ़ सकें, बुकिश फॉर्मेट में, यही टेक्स्ट आपको पीडीएफ में भी मिल जाया करेगा, जिससे कि आप घर पर उसी से रिवाइज कर लेंगे। तो वही यहां पर पढ़ा समझा, एक्सप्लेनेशन लिया उसका, और वही रिवाइज कर लिया, तो कितना आसान हो जाएगा पढ़ना, है ना। ये आपके लिए एक तरीका
मैंने चुना है और बनाया है। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी निकाल सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार इसका नोटिफिकेशन आकर कैंसिल हो चुका है। तो जब पहले नोटिफिकेशन आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके थे और उनकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और वो बेहद सेटिस्फाइड हैं। तो ये एक बात बताना सही रहेगा, आप भी क्लासेस जो हैं हमारी उसको देख सकते हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर हैं, देख करके समझ सकते हैं किस वे में बताया जा रहा है। अगर आपको वो सेटिस्फाइंग लगता है तो एडमिशन का तरीका बिल्कुल आसान है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, आप उस पर क्लिक करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बैच से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, वो ये है कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उस पर एंट्री टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिख करके इस नंबर पर भेज दीजिए, एंट्री टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिख करके इस नंबर पर भेज दीजिए। नंबर क्या है, 8382955694, ठीक है, इस पर आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पर टीजीटी पीजीटी एंट्री टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिख करके। दूसरा तरीका यह है कि आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी है आप इन नंबर्स पर बात कर लीजिए, नंबर्स को आप चाहे नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे काउंसलर से बात कर लीजिए, ये नंबर्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैंने बहुत लंबा नहीं लिया, लेंथी टॉपिक नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आप समझिए कि किस तरह की टीचिंग आपको मिलने वाली है, किस तरह के कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, फिर जब आप क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आप देखेंगे क्लास की ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि कंटेंट्स लंबे हो सकते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक एक दिन में दो दो क्लास, तीन तीन क्लास भी करनी पड़ सकती है क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, हमें सिलेबस जल्दी पूरा करना है और सिलेबस सिर्फ ख़त्म नहीं करना, फिनिश नहीं करना है, सिलेबस को एक्चुअली पढ़ना है, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, चलता हूं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।